तो बच्चों आपके एलसीआर सर्किट में, एलसीआर सर्किट में बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है वो है पावर इन एसी सर्किट, और वी कैन से द पावर फैक्टर। बच्चों इसमें हम जो एलसीआर सीरीज एसी सर्किट पढ़े हैं उसमें कितना पावर हमें मिलता है, और अलग अलग चार केस जो हमने देखे हैं, ओनली एल, ओनली सी, ओनली आर, फिर रेजोनेंस, इन केसेस में क्या होगा, पावर कितना होता होगा। बिकॉज आफ्टर ऑल सब कुछ स्टडी करने के बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है पावर ऑफ द सर्किट। जैसे आप मार्केट में जा रहे हो और आपने बोला मुझे 100 वॉट का बल्ब दीजिए, अब वो 100 वॉट क्या होता है, पावर रेटिंग। आप उसको ऐसा नहीं बताओगे कि मुझे इतना करंट चाहिए, इतना वोल्टेज चाहिए, आप सीधा बोलोगे पावर। बिकॉज कोई भी सर्किट में पावर रेटिंग ही इम्पोर्टेंट, यानी एक पैरामीटर बनाया गया है। फ्रिक्वेंसी, पावर, वोल्टेज, करंट, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, बट हम नॉर्मली पावर बोलते हैं। बिकॉज फ्रिक्वेंसी इंडिया की सेम है 50 हर्ट्स, वोल्टेज इन द हाउस वो भी सेम है, कितना कितना 220 to 230 वोल्ट। सिर्फ बाकी क्या रहता है, करंट। अब करंट तो हर डिवाइस का अलग अलग होता है, तो करंट की जगह हम लोग रेटिंग में बोलते हैं पावर, यानी रेटिंग कितना होगा वो पावर में होगा। ठीक है, तो भाई पावर, इतने पावर का बल्ब दीजिए। इसलिए किसी भी सर्किट का पावर निकालना बहुत जरूरी रहता है। तो हम लोग आज वही समझने वाले हैं। तो जो हम LCR पढ़े हैं, LCR सीरीज AC सर्किट जो हम पढ़े थे, और इसमें से करंट गया था I, और I का इक्वेशन आपको पता होगा IM साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसमें पावर कितना, और फिर देखेंगे हम पावर फैक्टर। चलो तो पावर की बात कर लेते हैं बच्चों। तो आपको पता है करंट और वोल्टेज टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, ये तो पता है ना, फाइज फेज डिफरेंस। करंट और वोल्टेज टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, तो जो हम पहले निकालेंगे वो कैसा रहेगा, इंस्टेंटेनियस पावर। वो क्या होगा बच्चों, पी बराबर वी इंटू आई। भाई V की वैल्यू और I की वैल्यू आपको पता है, आप लिखोगे वी एम साइन ओमेगा टी, फिर लिखोगे आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हम पहले कर चुके हैं, याद करो, ओनली R, ओनली C, ये सब हमने देखा हुआ है। यस और नो, हाँ। तो यहाँ पे वी एम आई एम, ठीक, मेरी बात समझना है अब आपको, यहाँ मेरी बात समझनी है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो पावर अब हमें क्या मिलेगा, वी एम आई एम बाई 2। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोग उसमें देखते थे तो उसमें सिंपल साइन एंड कॉस मिलता था, तो हम साइन 2 थीटा लिख देते और एवरेज निकालते, जीरो आता। एल और सी में पावर जीरो होता है, रेजिस्टेंस में हाफ आई एम स्क्वायर आर था, याद करो, हाफ आई एम स्क्वायर आर। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 2SS क्या होता है, याद है आपको, 2SS, 2SS माइनस सी प्लस सी, क्या होता है बच्चों, माइनस सी प्लस सी। ये 11th में हमने करवाए हुए इक्वेशंस है। अच्छा, तो माइनस सी माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है ओमेगा टी प्लस फाइव और बीटा है ओमेगा टी, तो यहां पे आपका आ जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस सी, यानी दोनों का सब्रैक्शन, दोनों एंगल का सब्रैक्शन करो, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, यू विल गेट कॉस फाइव। यस और नो बच्चों, यस और नो बच्चों, 2 साइन अल्फा, यहां पे लिख देता हूं, चलो ब्रैकेट में आपके लिए लिख देता हूं, पर मुझे ये जगह चाहिए, यहां पे लिख देता हूं। रीजन, हमने एक इक्वेशन लगाया 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू
माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, दिस इज द इक्वेशन 2SS इज इक्वल टू माइनस सी प्लस सी, दिस इज शॉर्टकट, वो लगाया और ये आंसर आया। दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। नाउ एवरेज पावर ओवर वन पीरियड, इफ यू फाइंड एवरेज पावर ओवर वन पीरियड देन वी ऑल नो एवरेज करना है इसका। अब इसका एवरेज करोगे तो वी एम आई एम अपॉन टू इज कॉन्स्टेंट, इसका जीरो होगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव चाहे कुछ भी ऊपर उसमें टी है तो उसका जीरो होगा, कॉस फाइव फाइव इज कॉन्स्टेंट सो दैट कॉस फाइव का कॉस फाइव ही रहेगा। बोलो समझ में आया बच्चों? हाँ के ना? इसका एवरेज थोड़ा शांति से समझो, ये कॉन्स्टेंट एज इट इज, इसका एवरेज क्या होगा, तो ये टाइम पे डिपेंडेंट है इसीलिए इसका एवरेज कॉस का एक पीरियड पे एवरेज जीरो होता है, कॉस फाइव, पर यहाँ पे कॉस फाइव फाइव इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम पे डिपेंड नहीं करता तो ये कॉन्स्टेंट हो जाता है, तो कॉस फाइव का एवरेज कॉस फाइव रहता है। यानी आप ऐसा समझ लो कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव का अगर आप एवरेज निकाल रहे हो तो वो जीरो आ रहा है, और कॉस फाइव का अगर आप एवरेज निकाल रहे हो तो कॉस फाइव आएगा, तो जीरो और कॉस फाइव, तो कॉस फाइव बचा, वो कॉस फाइव इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। बोलो समझ में आया? हाँ के ना? मैसेज करो नहीं तो फिर रिपीट करता हूँ, रिपीट करता हूँ बच्चों। यस बिल्कुल समझ में आया, इसका एवरेज जीरो क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड करता है और कॉस का एक पीरियड पे एवरेज जीरो होता है, कॉस स्क्वायर का वन बाई टू होता है, इसका जीरो आएगा, इसका ये पूरा कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट एज इट इज, तो वी एम आई एम बाई टू इंटू कॉस फाइव। ठीक चलो आगे चलते हैं। अब क्या इसको हम लोग अरेंज करें, वी एम बाई रूट टू आई एम बाई रूट टू कॉस फाइव, आपको इक्वेशन वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव मिल जाएगा। This is the equation of power in AC circuit, LCR series AC circuit. You all know 2 को हम root 2 into root 2 कर सकते हैं और root 2 Vm upon root 2 Vrms, Im upon root 2 Irms. This is the equation of power. Okay? But जब आप power loss की बात करते हो तो power loss के लिए आपको impedance होना जरूरी है, तो भाई आप क्या करोगे, आप कर दोगे इसको आई स्क्वायर जेड कॉस फाइव। क्यों? क्योंकि आपने वी आर एम एस की जगह आई आर एम एस इंटू जेड लिख दिया, वी की जगह क्या लिख दिया आई जेड, आई इंटू आई आई स्क्वायर इंटू जेड इंटू कॉस फाइव। पक्का बुलाया कि नहीं बच्चों? सही समझ में आया? ठीक है, तो दिस इज द पावर इन एल सी आर सीरीज ए सी सर्किट। P is equals to VI cos phi, V is RMS value, या आप बोल सकते हो V RMS, I RMS cos phi। अब ध्यान से समझना है बच्चों, ध्यान से समझना है, पावर फैक्टर, क्या पावर का फैक्टर, तो V RMS and I RMS are the input voltages, जो हमने सोर्स लगाया उसमें से वी आर एम एस का और आई आर एम एस उसको मिल रहा है सर्किट को, एलसीआर सीरीज को, तो ये गिवन हुआ, अपॉन पावर लॉस पी इज नोन एज कॉस फाइव पावर फैक्टर। यहां से बना दो कॉस फाइव वी आई को नीचे ले जाओ, ओ उल्टा कर दिए, सॉरी पी अपॉन वी आई, पी अपॉन वी आई उल्टा हो, सही है, P अपॉन VI, यस और नो? या आप इसको P अपॉन I स्क्वायर Z भी कह सकते हो फ्रॉम दिस इक्वेशन, P अपॉन I स्क्वायर Z। बोलो समझ में आया बच्चों? हाँ के ना? इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, यानी देखो VI आपने दिया तो ये लॉस हुआ P, तो P अपॉन VI ये पावर का रेशियो हो गया, तो इसको पावर का फैक्टर बोलते हैं, पावर फैक्टर। हालांकि यही डिसाइड करता है कि कितना
पावर होगा cos phi, क्योंकि मैक्सिमम तो vi होगा, cos phi जैसे घटेगा वैसे पावर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, cos phi जैसे बढ़ेगा वैसे पावर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक समझ में आया। पर अगर मैं इम्पीडेंस का डायग्राम ड्रॉ करूं बच्चों, यहाँ पे फाई था, यहाँ पे xc माइनस xl था, यहाँ पे r है और यहाँ पे z है, तो cos phi यहाँ से क्या बनेगा, बनाओ तुम एडजेसेंट अपॉन हाइपो, क्या r बाई जेड, क्या r बाई जेड, समझ में आया बच्चों, यस और नो, cos phi इज इक्वल्स टू r बाई जेड, बिल्कुल समझ में आया। तो बस यही इक्वेशन आपको याद रखना है, p इज इक्वल्स टू vi cos phi इज इक्वल्स टू r बाई जेड, यहां से तो बनने ही वाला है, यहां से ये याद रखना है, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब बच्चों पावर डिसिपेटेड आपने फाइंड कर लिया, वी आई कॉस फाइव और आई स्क्वायर आर कितना लॉस हो रहा है, आई स्क्वायर आर या आई स्क्वायर जेड कॉस फाइव, यहाँ पे पावर फैक्टर आपको बता दिया। अब हमने अलग अलग चार केस देखने हैं, अब इसका पूरा हम कच्चा चिट्ठा निकाल देते हैं इसी सर्किट का, कि पावर कहाँ कहाँ लॉस हो रहा है और फाइव क्या था, हाँ और आप लिखना चाहो तो V और I भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो डिफरेंट केसेस अगर आपको बताए जाए, स्पेशल केसेस, तो पहला आपने पढ़ा था ओनली R, ठीक है, फिर आपने पढ़ा था सेकंड में ओनली L, थर्ड में आपने पढ़ा ओनली Z C, तो ये दोनों साथ ले लेते हैं, ओनली सी, दोनों में बात लगभग सेम है, इधर आपने एलसीआर सीरीज, और चौथी एक स्पेशल केस था जो रेजोनेंस की बात करते हैं। तो अभी तक आपने ये सब पढ़ लिया है, हाँ ये सब पढ़ लिया है, ओनली आर में फाई क्या होता है, जीरो, यहां पे फाई या तो, यहां पे फाई या तो माइनस पाई बाई टू होता है या फाई होता है प्लस पाई बाई, कैपेसिटर के लिए प्लस, एल के लिए माइनस। एलसीआर में फाई आपका बनता है टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, अगर एक्सी बड़ा है तो, और रेजोनेंस में आपका फाई अगेन बन जाता है जीरो, कैसे जीरो भाई, क्योंकि एक्सी और एक्सएल सेम हो जाते हैं, एक्सी और एक्सएल सेम हो जाते हैं तो आपका फाई अगेन बन जाता है जीरो, ठीक है। तो इनका पावर लॉस क्या होगा, तो यहाँ पे पावर लॉस क्या लिखोगे आप, आई स्क्वायर जेड कॉस फाई, दिस इज द इक्वेशन, डिसिपेटेड पावर, कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, आई स्क्वायर जेड क्या होगा, यहाँ पे जेड बराबर आर है ना सिर्फ, ओनली आर, तो आई स्क्वायर आर, तो दिस इज द मैक्सिमम डिसिपेशन, क्यों, कॉस फाई कॉस जीरो वन हो जाए मैक्सिमम, यहाँ पे आपका Z या तो होगा XL या तो Z होगा आपका XC, पर दोनों ही केस में आपका पावर जीरो होगा लॉस, क्यों, क्योंकि cos 90 जीरो होगा, इसीलिए पावर लॉस जीरो, यानी LC में कोई पावर लॉस नहीं होता, ये पहले भी देखो, यहाँ पे कितना पावर लॉस होगा, तो बच्चों यहाँ पे पावर लॉस होगा I स्क्वायर Z cos phi, यहाँ पे आपका Z होता है R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर का रूट, यहाँ पे पावर लॉस इस तरह से फाई जैसे चेंज होगा वैसे आपको मिलता जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी आपको, हाँ के ना, ओके हाँ के ना, यहाँ पे फाई जीरो नहीं है, यानी मैक्सिमम लॉस नहीं होगा, यहाँ पे मैक्सिमम लॉस नहीं होगा, ना ही जीरो होगा, क्योंकि 90 भी नहीं है, तो लॉस जो है आई स्क्वायर आर और जीरो के बीच में वेरी होगा, पर वो जो भी लॉस होगा वो सिर्फ रेजिस्टेंस में होगा, ये भी आपको क्लियर करना है, ठीक है। अच्छा रेजोनेंस में फाई जीरो आ गया, लो रेजोनेंस में भी फाई जीरो, तो फाई जीरो का पहला केस है वही मैच करो बिल्कुल, हाँ के ना, हाँ के ना, अरे हाँ के ना, यस वही केस है, क्या लिखना है इसको, वही लिखना है, पावर इज इक्वल टू, यानी जेड इज इक्वल टू आर हो जाएगा
पावर लॉस हो जाएगा आई स्क्वायर जेड और आई स्क्वायर आर मैक्सिमम, ठीक है 5-0। बोलो समझ में आ गए चारों चार केस? बिल्कुल सिंपल है, आर एल सी एंड एल सी आर एंड रेजोनेंस, इसमें आर एल और आर सी भी आ जाएगा। अगर सिर्फ आर एल होता तो एक्सएल अपॉन आर होता, आर सी होगा तो एक्स सी अपॉन आर आएगा, वो इस हिसाब से आ जाएगा। पर पावर लॉस किस में होगा? ओनली रेजिस्टेंस, बिल्कुल पक्का है। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क यही रहेगा, पावर इन एसी सर्किट एंड फोर केसेस मोस्ट आईएमपी, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट आईएमपी, 4 मार्क क्वेश्चन फॉर बोर्ड एंड ऑल्सो फॉर एमसीक्यू। पूरा कंक्लूजन करते हैं इसमें, ठीक है बच्चों? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका।